इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी के लिए 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें से 500 क्वेश्चन आपके 2021 के होंगे और पीछे बचे 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन 2022 के होंगे। ये 1500 करंट अफेयर कर लो, रेलवे ग्रुप डी के लिए 90% करंट अफेयर यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इससे बाहर तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप 500 करंट अफेयर 2021 के। इससे बात करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाकर अपना एडमिट कार्ड देख सकते हो। अभी एग्जाम सिटी और एग्जाम कब है उसके बारे में बताया गया है। एग्जाम सिटी के अंदर सेंटर आपका एग्जाम से 4 दिन पहले बता दिया जाएगा। एक ही वीडियो में आपको 500 करंट अफेयर बताया जाएगा 2021 के, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में ज़्यादातर करंट अफेयर आपके 2021 में आए थे, 2021 से पूछे गए थे। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके ग्रुप डी के लिए 500 करंट अफेयर एक ही वीडियो में, सिर्फ 1.5 घंटे का वीडियो, और 500 करंट अफेयर कवर करें। ये कवर करने के बाद आपको जरूर ऐसा लगेगा कि 2021 के करंट अफेयर लगभग आपने कवर कर लिए। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश के महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री ने पैरालंपिक 2021 में किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्री ने पैरालंपिक 2021 में कर दे कमाल तू थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन राजस्थान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात देश ने कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2021 की मेजबानी नई दिल्ली शहर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से अमित गोयनका को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में कितने गोल्ड पदक जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में 41 गोल्ड पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किनारा कैपिटल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2021 में किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला अहमदाबाद में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके साथ कॉनवोक 2021-22 की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने भारतीय फाउंडेशन के साथ कॉनवोक 2021-22 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने गांवों को गोद लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत के 500 गांवों को गोद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 राजस्थान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रमना काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री रमना काली मंदिर बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 वाराणसी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने तमिल थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य ने तमिल थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत 22 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी किसने लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैतापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहारी गोल्ड चाय किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनोहारी गोल्ड चाय असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2021 में उड़ान योजना राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत तीसरे स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 पंकज आडवाणी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए सेफ्टी मिशन हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 दिव्या हेगड़े को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस देश के जोमाऊ सूप को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा हेती देश के जोमाऊ सूप को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कर्नाटक राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन किसने लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन नासा ने लॉन्च किया। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला क्रिकेट बॉलर किसका बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला क्रिकेट बॉलर युवराज सिंह का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटा ने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैटा ने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन संयंत्र असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किस राज्य ने नदी उत्सव शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2021 में गुजरात राज्य ने नदी उत्सव शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक खुर्शीद एम पावरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 हिमाचल प्रदेश ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वन पेश किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वन पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शियो विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शियो विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किशोर कुमार यदम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोना का पहला मामला इजराइल देश में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य में बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल राज्य में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़े भारत का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू पहली कंपनी एप्पल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन चीन देश में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IPL 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक जयंत घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस कब मनाने का ऐलान किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तेहतरवें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के तेहतरवें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनटेक विभाग का गठन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनटेक विभाग का गठन RBI ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक फातिमा शेख है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 खेलों के टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IPL 2022 खेलों के टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कोची बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन किस उम्र में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन 40 वर्ष की उम्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले मानव जिसके शरीर में पिंक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया के पहले मानव का नाम है डेविड बेनेट जिनके शरीर में पिंक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूपिड तूफान किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूपिड तूफान जापान देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122 स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रांजैक्शन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन धन योजना के तहत नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गुणसूत्र ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के गुणसूत्र ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन दो देशों ने नौसेनाओं के अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2024 वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर कर दिया हरिगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिलटन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोटर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें एशियाई तिरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22वें एशियाई तिरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार इंदौर शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में देश का श्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2021 में देश का श्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार सदर बाजार थाना नई दिल्ली को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी अल सल्वाडोर देश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलुपी कितने मिलियन में बिकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलुपी $13 मिलियन में बिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम तांत्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली 2021 कप किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद मुश्ताक अली 2021 कप तमिलनाडु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP फाइनल्स खिताब 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ATP फाइनल्स खिताब 2021 का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के थुलमा कंबल को GI टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के थुलमा कंबल को GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी मेघालय राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, COVID-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका देश में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंद बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंद बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रविचंद्र अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति सैंड्रा मैसन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ष के अपने 2021 शब्द के रूप में किस शब्द को चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ष के अपने 2021 शब्द के रूप में वैक्स शब्द को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुका किस समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुका यहूदी समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस और नागरिकों के बीच संचार बढ़ाने के लिए कॉल योर कॉप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य की पुलिस ने पुलिस और नागरिकों के बीच संचार बढ़ाने के लिए कॉल योर कॉप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली बार कब करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली बार 2023 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता सास्कन मेडिटेक को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रवीण राव ने 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान जवाद नाम किस देश ने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान जवाद नाम सऊदी अरब देश ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने गोल्ड पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने गोल्ड पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोपे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम डीजी यात्रा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन बहरीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर खिताब 2021 जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्सिया पुटेलस ने बैलन डी'ओर खिताब 2021 पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर खिताब 2021 जीता है? महिला में एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है और पुरुषों में लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविस कप 2021 का खिताब रूस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लेकर आई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लेकर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के खिलाड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर एजाज पटेल न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोन्याक नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मऊजी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एयरटेक कंपनी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एयरटेक कंपनी बाईजूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सी चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI ने पेटीएम बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन झांसी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 एम मुकुंद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा केसर हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा केसर हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अनिल कुंबले की जगह किसने ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली ने ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन नोएडा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन विवादित कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीन विवादित कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय नौसेना का सातवां युद्धपोत तुशी लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रशिया देश ने भारतीय नौसेना का सातवां युद्धपोत तुशी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन श्रीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल गिव हुरन इंडिया प्रोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडल गिव हुरन इंडिया प्रोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर अजिम प्रेम जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से टीवीएस मोटर्स को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तीन नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश ने तीन नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपति रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलपति रथ महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खादी संग्रहालय किस राज्य में खुला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला खादी संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीएस लक्ष्मण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली घास रक्षिका का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली घास रक्षिका का उद्घाटन अल्मोड़ा जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर सिप्ला द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेलेंसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उड़ान टूपटो की शुरुआत किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उड़ान टूपटो की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे 56.1 फीट लंबे बैट का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया के सबसे 56.1 फीट लंबे बैट का अनावरण हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता पोर्ट पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाश संधू ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिली दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार संयुक्त अरब अमीरात में बनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त बनने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त बनने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइम पत्रिका ने एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब देश ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम एक वादे पर डिलीवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा गुजरात राज्य में पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराबखाना कारखाना मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़ ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गाँव कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गाँव
मान में राग बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज वाजपेयी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून सूचकांक 2021 में डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उबेर कप ट्रॉफी 2021 के विजेता चीन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 के विजेता कौन रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कप 2021 के विजेता इंडोनेशिया रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में आइसलैंड देश ने टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक दिव्या दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 71वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 कैमरून मौला ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 किसने लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट होने वाला विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म द चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके से बचाया देश ऐतिहासिक गाना किसने गाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीके से बचाया देश ऐतिहासिक गाना कैलाश खेर ने गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना अरुणाचल प्रदेश राज्य में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन देश के बीच में पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 71वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली आई मेड देम द मेमोरियल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोरियल पुस्तक के लेखक गुलजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में सुपर कोरोना वायरस से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2021 में सुपर कोरोना वायरस से बीएस येदुरप्पा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 पुरस्कार 2021 से विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच की नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज रश्मि माधुरी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सत्य नाडेला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय कॉफी खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के मिंटो हॉल का नाम बदल कर रखा है कुशाभाई ठाकरे हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच में 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिक्की का अध्यक्ष संजीव मेहता को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तिरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व तिरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीवली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभियान घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीवली वेटलैंड को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभियान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश राज्य में बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डब्ल्यूबीसी भारत का पहला वेल्टर वेट खिताब 2021 किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी भारत का पहला वेल्टर वेट खिताब साबरी जी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के अनुसार गुजरात राज्य भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला घरेलू सर्वर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का पहला घरेलू सर्वर रुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 सौरव घोषाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान खान को किस राज्य सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलमान खान को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अभी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष सुजन अनॉल्ड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरियम वेबस्टर ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर वैक्सीन को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 में लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला झांसी शहर में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश में हेरॉन ड्रोन प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने इजराइल देश से एक हेरॉन ड्रोन प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भगवंत कुबा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस राज्य में बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मेघालय राज्य में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली 5G कॉल करके नई उपलब्धि हासिल की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रा गुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप मैगजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस कंपनी ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 विदेश एंड विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में 99वें समझौता हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान के दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलामी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP फाइनल 2021 का मुकाबला किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेजांद्रो फ्रितो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरना संधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविड जूलियस एंड अर्दमपटा पाउटियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मी दाना मिठाई को GI टैग दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई फिश मार्केट है फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्री गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयतीर्थ राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मोरातोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ERC1। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणदीप गुलेरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अदिति माहेश्वरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रेल ट्रेन का अनावरण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा देश बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2021 की विजेता टीम कौन रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टपन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाग किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाग मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कोरियन एयर जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनियर दिवस कब मनाया जाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को विश्व जूनियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस के घर पर हत्या कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेती देश के राष्ट्रपति के घर पर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किस राज्य के विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य ने जुलाई 2021 में विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन ने सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरीषा बंदला भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्स योजना लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्स योजना लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरो 2020 गोल्डन बूट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला ग्रैंड एटीएम खुला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में पहला ग्रैंड एटीएम खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम के कचार जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच सूर्यग्रहण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल देश के बीच में सूर्यग्रहण अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किन दो देशों की नौसेना ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने जुलाई 2021 में नौसेनाओं के पैसेज अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोरम कहाँ में बनाने की योजना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोरम इंडोनेशिया में बनाने की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हड़प्पाकालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने गुजरात को धोलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब मिशिगन की वेदई डोंगरे ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला राज्य कर्नाटक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्द कोश की रचना की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने रेखता शब्द कोश की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वें एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियन नेत्रहीन कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियन नेत्रहीन बने चीन के जांग होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटेक को किसने विकसित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटेक को IIT रोपड़ ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेचर TTL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड थॉमस विजय ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम के रायमोना पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से क्रिक गुरु नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान देइंग पटकाई को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब कु प्लेटफॉर्म पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर ऑकलैंड को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित शूटिंग रेंज को अब चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से सुमिता मित्रा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत मुंबई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क शेल्बी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से डॉक्टर शकुंतला हरक्षण थिलस्टेड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग लिखा हुआ है ना कि इंडियन प्रीमियर लीग लिखा हुआ है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2021 में BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2021 में शंकर बाला सुब्रमण्यम को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों बाद सेवा मुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना का पहला INS राजपूत विध्वंसक जहाज को 41 सालों बाद सेवा मुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो के नायरा गोंगो ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार 2021 से वेलेरिना लुशेली को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से चाय बागानों की जमीन को बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे ने सुशील कुमार को हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचिंता श्योली ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में डल झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 टीका विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 टीका विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा COVID-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश सिंगापुर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि सूरदास की तपस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि सूरदास की तपस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर परासोली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नौरा अल मात्रोशी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार कटी पदम राव को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने भारत देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने भारतीय पहलवान में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाले भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाले भारत की प्रथम महिला प्रियंका मोहिते बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WHO ने गाम्बिया देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड कैट स्नाइडर को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 तबलिशी को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैड लैंड को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर फिनलैंड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति करंत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरोका कहाँ में शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरोका पुर्तगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन कुश्ती 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन कुश्ती 2021 में स्वर्ण पदक विनेश फोगाट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2021 ऋषिकेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शहर शीर्ष पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने किरण पोलार्ड। आपको कमेंट बॉक्स में बताने पहले और दूसरे बल्लेबाज कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2021 में गुजरात राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में घोषित किए जाने स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार मौन कृष्ण बोरा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीआई महोत्सव 2021 का उद्घाटन मसूरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 121वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला शनि अभ्यास शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने अंतरिक्ष में पहला शनि अभ्यास शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार कोनेरू हम्पी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे वर्ष 2021 का बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 का बैटन ऑफ ऑनर से किरण बेदी को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल हैदराबाद में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रशियन बांध चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में रशियन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली शहर भारत की ईवी राजधानी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएई को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 हरियाणा राज्य ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित संघ ज्वालामुखी फटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर देश में स्थित संघ ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना नॉर्वे में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWR ने वर्ष 2021 में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WWR ने वर्ष 2021 में द ग्रेट खली भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इरफान खान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग ने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय नौसेना का सातवां युद्धपोत सुशील लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रशिया देश ने भारतीय नौसेना का सातवां युद्धपोत सुशील लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली घास रक्षिका का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली घास रक्षिका का उद्घाटन अल्मोड़ा जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर सिप्ला द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेल का नया नाम क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रो रेल का नया नाम भोज मेट्रो रेल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपसे बात करूंगा 2021 से भी पहले की करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ उन क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन के वुहान से कोविड-19 वायरस की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप किसने जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी रोजगार ऐप किसने जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 की कोई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन PV नरसिन्हा राव ने 1992 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परियोजन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री कुल्लर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर केरल राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इनोवेशन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इनोवेशन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गणना रिपोर्ट 2019 में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ गणना रिपोर्ट 2019 में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश राज्य में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में थोक मूल्य सूचकांक कितना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त वर्ष 2020-21 में थोक मूल्य सूचकांक 0.1% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में आकाश गंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल का नाम रखा, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जहाज कौन सा बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जहाज मे फ्लावर 400 बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को किसने विकसित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु ऐप चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने लॉन्च की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी देश ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एथलेटिक्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 नीरज चोपड़ा को दिया गया। आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 500 क्वेश्चन कैसे लगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 12 खिलाड़ियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार 2021 34 खिलाड़ियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब टॉनी एनसी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार 2019 से प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ फिल्म को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 के लिए श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 के लिए श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैड लैंड को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोई को दिया गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? जो कि 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, तो वो दिया गया रजनीकांत को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया। अप्रैल मंथ की 300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में जेफ कार्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार थे। हाल ही में दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। जिंक यांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहे, किस राज्य में स्थित है? मेघालय। दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ भारद्वाज। नेक्स्ट, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू की है? पंजाब। नेक्स्ट, किस कंपनी ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता समाप्त किया? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 73वां। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, वह देश जिसने हानसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट, भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्ति प्रदर्श श्री सोमिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? के श्याम प्रसाद। नेक्स्ट, गोरखपुर एंड किस शहर के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है? वाराणसी। नेक्स्ट, किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम सो इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया? भारत। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सी एस राजन को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है? गोवा। नेक्स्ट, हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को। नेक्स्ट, मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। नेक्स्ट, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। नेक्स्ट, रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? कोंकण रेलवे। नेक्स्ट, किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? गोपाल शर्मा को। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया? डेविन ब्रावो। नेक्स्ट, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? यूएनएफपीए। नेक्स्ट, यूएनएफपीए की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष। नेक्स्ट, मैस आईएनएक्स साइट एंड बामियान के बुद्ध जो हाल ही खबरों में रहे, किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आसान क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज ठाकुर को। नेक्स्ट, कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कांगो। नेक्स्ट, मिगुअल वैन डैम का हाल ही में निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। नेक्स्ट, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट,
भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट, हाल ही में IUNS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? गोवा में। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? मेदांता गुरुग्राम ने। नेक्स्ट, ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जयसा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? एग्रोस ने। नेक्स्ट, हाल ही में वो कौन सा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? HDFC। नेक्स्ट, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? जयति घोष को। नेक्स्ट, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट, साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मणिपुर का। नेक्स्ट, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? NV रमणा ने। नेक्स्ट, ICC महिला विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन सी बनी? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, अफगानिस्तान देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच कौन बने? ग्राम थॉर्प। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादक सूची में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस अकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने? अजय कोचर। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना निषेधन उत्पादक शुल्क विधेयक 2022 पारित किया? बिहार। नेक्स्ट, वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? श्रीलंका। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? अरूज आफ्ताब। नेक्स्ट, किस शहर ने ग्लोबल कोलोबरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है? जिनेवा। नेक्स्ट, हाल में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यक्रम में सहायता दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य पहल को शुरू किया गया? कर्नाटक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट, उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप फार्म एजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आमिर खान। नेक्स्ट, हाल में कौन से राज्य को 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा मिला है? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट, वह राज्य कौन सा जिसने हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड COVID-19। नेक्स्ट, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन कवात्रा। नेक्स्ट, भारतीय थलसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। नेक्स्ट, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीव की अवैध खरीद बढ़ रही है? म्यांमार। नेक्स्ट, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? आरिफा जोरी। नेक्स्ट, हाल ही में रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हुआ वे कौन थे? कवि। नेक्स्ट, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय को। नेक्स्ट, हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए? विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को। नेक्स्ट, जयनगर जनकपुर रेल सेवा और भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद फिर से शुरू होगी? नेपाल। नेक्स्ट, टाटा समूह ने किस नाम से सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया? न्यू। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ फायर पुस्तक की लेखिका कौन है? देविका रंगाचारी। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, 30वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रामदर्श मिश्रा को। नेक्स्ट, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? मुरली नटराजन। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के किस शहर ने कोरोना का नए वेरियंट टैक्सी के पहले मामले की सूचना दी है? मुंबई। नेक्स्ट, किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे नामित किया गया? गुलजार अहमद को। नेक्स्ट, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क। नेक्स्ट,
ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता? अमर मित्रा ने। नेक्स्ट, चिथिरई उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल ही में सेना आयुध कोर का 2400 स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया? अमेजन। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और AIIB से 3500 करोड़ रुपये का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त होगा? गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर। नेक्स्ट, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? ट्विटर। नेक्स्ट, द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखकों ने हरीश मेहता। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। नेक्स्ट, किसे श्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड दिया गया है? फाल्गुनी शाह को। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस। नेक्स्ट, वह राज्य कौन सा जिसने हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाले सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है? 2022 से 2027। नेक्स्ट, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? एम्बर ब्रेकेन को। नेक्स्ट, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सत्यपाल मलिक को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरुण घोष को। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने अवसर योजना लॉन्च की है? भारतीय विमानपतन प्राधिकरण। नेक्स्ट, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? SpaceX ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? INS वलसुरा को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया? विकास कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 164 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सॉरी 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? गुजरात। नेक्स्ट, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट, सीमा पर्यटन योजना का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। नेक्स्ट, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते? 3। नेक्स्ट, माधोपुरा मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? गुजरात। नेक्स्ट, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? पीटर नेविल ने। नेक्स्ट, IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान महिला गायक कौन बनी? अरूज आफ्ताब। नेक्स्ट, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। कौन सा केंद्रीय मंत्री PM दक्ष योजना को लागू करता? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता चला है? असम में। नेक्स्ट, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। नेक्स्ट, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? अमेरिका। नेक्स्ट, वह देश जिसने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया किसने प्रदान किया? वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया? रूस। नेक्स्ट, सरूल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। नेक्स्ट, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? बाबर आजम एंड राचेल हैंस। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? अमेरिका। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने तो भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? नागालैंड। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। नेक्स्ट, हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को हटा दिया गया? पाकिस्तान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले? असम। नेक्स्ट, हाल ही में लॉयड ने पूरे भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सौरव गांगुली को। नेक्स्ट,
कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार को। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन सरकला को। नेक्स्ट, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को। नेक्स्ट, विश्व चकास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट, हियर योर सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम रावत। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया? असम। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बनाया? पेटीएम। नेक्स्ट, हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? पेरिस। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अप्रैल अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान कितना है? 8%। नेक्स्ट, भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में किस नदी में मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? कावेरी। नेक्स्ट, जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना? इक्वाडोर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट, भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। नेक्स्ट, रेगजाविक ओपन 17 रन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूँ आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है? रूस। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा? यूक्रेन। नेक्स्ट, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? शिखर धवन। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर कैरियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? आमिस बेनेट। नेक्स्ट, किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा GI टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 131वीं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? माली। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? UGC ने। नेक्स्ट, हाल में राजा परवेज अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? पाकिस्तान। नेक्स्ट, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। नेक्स्ट, डेनिस ओपन स्विमिंग में वेदांत माधव ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट, विश्व आवाज दिवस 2022 कब मनाया गया? 16 अप्रैल। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की CEO कौन बनी है? मनीषा कपूर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में नववर्ष पोइला वैसा कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने आयरन बीमा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल। नेक्स्ट, हाल में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? सिंगापुर। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटर पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? फिनलैंड। नेक्स्ट, किस राज्य के संगीतकार प्रफुल कार का हाल ही में निधन हो गया? उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल ही में रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में कर्जा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फर्मवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना में। नेक्स्ट, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा 328 मिलियन टन। नेक्स्ट, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? शांति सेठी को। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? 100। नेक्स्ट, विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया? 19 अप्रैल। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वे किस देश के क्रिकेटर है? वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022 में किसे पहला स्थान मिला? साइरस एस कूनावाला को। नेक्स्ट, 2022 इन्विक्टस गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए आह्वान किया? श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पाइजन पिल नामक योजना शुरू की है? ट्विटर ने। नेक्स्ट, IPL इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या? हमारे ग्रह में निवेश है। नेक्स्ट, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में शुरू हुई? मंगोलिया। नेक्स्ट, देश में नेटवर्क सेवाएं बनाने के लिए किस कंपनी को रेल विकास निगम से वर्क ऑर्डर मिला है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव को नियुक्त हुए नरेश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? सूरत में। नेक्स्ट, हाल में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट, बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्था ने भागीदारी की है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 3.2%। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोला में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? ब्रिटेन। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? 21 अप्रैल। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने? पैट्रिक अच्छी। नेक्स्ट, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने? मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने? राजीव वर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? राघव चड्ढा को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? भारत पे। नेक्स्ट, भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट, विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? बेलारूस। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? गूगल ने। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया? एनटीपीसी। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा? 328। नेक्स्ट, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुमन के बेरी को। नेक्स्ट, 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? कार्बोवैक्स। नेक्स्ट, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? मालदीव। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? धरोहर एंड जलवायु। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर है? वियतनाम। नेक्स्ट, एचडीएफसी कैपिटल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी एडीआई को बेचे की? 10%। नेक्स्ट, किस बैंक ने फिनक्लेवेशन शुरू करने की घोषणा की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। नेक्स्ट, इमैनुअल मैक्रों ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? फ्रांस। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया? असम। नेक्स्ट, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एनजेक दिवस मनाया जाता है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया? तुर्की। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जल निकायों का कायाकल्प। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीना मोदी। नेक्स्ट, कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है? शिवमोगा हवाई अड्डा। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने? वसीम खान। नेक्स्ट, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? पल्ली जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, किस राज्य में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट, नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे नामित किया गया? बबीता सिंह को। नेक्स्ट, हाल में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? 44 अरब डॉलर में। नेक्स्ट, हाल में द सिख हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? नवीन पटनायक ने। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? जापान और रूस। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, IPL में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने? शिखर धवन। नेक्स्ट, हाल में किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? जापान। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल में आदित्य बिड़ला कैपिटल ने किसे अगला CEO नियुक्त किया गया? विशाखा मूल्य को। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किया? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा किया? मालदीव। नेक्स्ट, किस देश के आंद्रे रुबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया? रूस। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? चीन। नेक्स्ट, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बनाया? जामताड़ा झारखंड। नेक्स्ट, सरकार ने IIM निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 70 वर्ष। नेक्स्ट, शांति के लिए बहुपक्षवाद एंड कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में भारोत्तोलन में किसने गोल्ड पदक जीता है? गोविंद सुनील महाजन ने। नेक्स्ट, हाल में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट, हाल में किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? N. चंद्रशेखर। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालकों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या? दूधवाणी। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत ने हाल में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? लिथुआनिया। नेक्स्ट,
साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन एसकॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? कृष्ण रामानुजम। एंड लास्ट क्वेश्चन, यूक्रेन युद्ध के बीच कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? रूस। मई मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर, इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये वीडियो में बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक झंडे लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? भारत। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता किया? पंजाब। नेक्स्ट, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुस्तक किसने जीता है? मैक्स वरस्टपन ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है? मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिनेवा में। नेक्स्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? अमेरिका। आपको कमेंट बॉक्स में बताना वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? असम। नेक्स्ट, वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में सफलता पूरे कितने साल पूरे कर लिए? 4 साल। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवा का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट, कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण जारी करती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट, मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया? बीजिंग में। नेक्स्ट, हाल ही में पोस्टको ने शोध के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? चिनाब नदी। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? एलवेरा ब्रिटो। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट, इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को। नेक्स्ट, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट गोलोब। नेक्स्ट, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यय परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वरस्टपन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? इटली। नेक्स्ट, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? रसिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट, पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देवदत्त चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपये के बाजार मूल्यांकन तक पहुँचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिडनी विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट, शेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में IPL चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान ने अपना पद छोड़ दिया है? रविंद्र जडेजा ने। नेक्स्ट, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? मनोज पांडे ने। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में पहले ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया गया है? केरल में। नेक्स्ट, हाल में नए विदेश सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? विनय मोहन क्वात्रा ने। नेक्स्ट, हाल में थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? BS राजू ने। नेक्स्ट, हाल में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला को। नेक्स्ट, टाटा सन्स किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा? एयर एशिया के साथ। नेक्स्ट,
तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ वे कौन थे? प्रसिद्ध गायक। नेक्स्ट, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट, कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मैथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारी को देय महंगाई भत्ते की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? 5%। नेक्स्ट, हाल में ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा ड्रीम जज कार्यक्रम की शुरुआत किसकी साझेदारी के साथ की गई है? मैरी कॉम के साथ। नेक्स्ट, असम के किस जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में केन्या के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? मवाई किबाकी की। नेक्स्ट, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। नेक्स्ट, कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? खाद्य एंड कृषि संगठन। नेक्स्ट, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ? जर्मनी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 150वीं। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? गोवा में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया? 4.40%। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया वनडे और T20 कप्तान किसे बनाया गया? निकोलस पूरन को। नेक्स्ट, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया? भारत को। नेक्स्ट, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना। नेक्स्ट, कमलप्रीत कौर ड्रग्स का उपयोग करने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रोअर से। नेक्स्ट, हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो T20 रैंकिंग में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। नेक्स्ट, IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगी? 21 जून को। नेक्स्ट, RBI की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह किसने लिए? राजीव रंजन है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक यूरोप के किन 3 देशों की यात्रा पर थे? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री ने 24 घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? अली साबरी। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? कोच्चि। नेक्स्ट, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? ओपन। नेक्स्ट, टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट, किस देश ने भारत नॉर्ड्रिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? डेनमार्क ने। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? 43 सीटों का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? डेविड वार्नर। नेक्स्ट, विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट, जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लद्दाख। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? पंजाब। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो उसकी मांग करेंगे? नई दिल्ली। नेक्स्ट, इसरो द्वारा किस वर्ष तक शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई गई है? दिसंबर 2024। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। नेक्स्ट, इंटर ग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेंकट मणि सुमंत्रन को। नेक्स्ट, आजीविका एंड आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? यूएसए। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस अन्य देश के मध्य आशी की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए? जर्मनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? एलस्ट्रॉम ने। नेक्स्ट, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। नेक्स्ट, 3500 स्पेनिश लीग खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट, सातवीं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का ताज किसने जीता है? रोनी ओ सुलिवान ने। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? संगीता सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लद्दाख। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला है? वियतनाम ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया? कामी शेरपा। नेक्स्ट, किस देश ने 2021 में सभी एशियाई देशों में उच्चतम चिकित्सा मुद्रा स्फीति दर हासिल की है? भारत। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत जावेरी को। नेक्स्ट, हाल ही में आईआईएम नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट, हाल में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? स्पेन से। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक नई व्यायाम नीति को मंजूरी दे दी है? हरियाणा ने। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया? असानी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक लॉन्च किसने की है? डॉक्टर भारती पवार ने। नेक्स्ट, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? श्रीलंका। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किस राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? संतूर वादक। नेक्स्ट, जियो सावन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सहस मल्होत्रा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त शिवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रजत कुमार कर साहित्यकार थे। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यून सुक येओल ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? फ्रांस ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट, किस भारतीय एथलीट ने मंच के लिए लघु फिल्म बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ करार किया है? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? केरल में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप किस देश में शुरू हुआ है? जर्मनी में। नेक्स्ट, किसे हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? राजीव कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि शावा झील किस देश में स्थित है? इराक में। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया है? नीति आयोग में। नेक्स्ट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग की स्थापना कब की गई है। किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन पहल लॉन्च की है? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट,
रिन्यू पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केदार उपाध्याय को। नेक्स्ट, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों के कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? 57 सीटों पर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे को। नेक्स्ट, हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? मार्कोस जूनियर ने। नेक्स्ट, इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेडन मैकुलम को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष चुना है? निधि छिबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेक्स्ट, स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? ओम बिरला ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? त्रिपुरा के। नेक्स्ट, हाल ही में कार एक्सीडेंट से ऑस्ट्रेलिया के किस प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हो गया है? एंड्रयू साइमंड्स का। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जो बाइडेन ने। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? केरल में। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, किस संस्था ने युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? CBSE ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में भारत के खुदरा मुद्रा स्फीति क्या है? 7.79%। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? 50% का। नेक्स्ट, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एंजूरियम से पीड़ित हैं? चीन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जापान ने। नेक्स्ट, हाल ही में UAE का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान को। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? भारत ने। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? माणिक शाह। नेक्स्ट, गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? भोपाल से। नेक्स्ट, IBM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया? अरविंद कृष्णन को। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय फर्म कौन सी बनी है? रिलायंस। नेक्स्ट, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? केन्या की। नेक्स्ट, 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? सिक्किम ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? NTPC ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक मैड सोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की? लद्दाख में। नेक्स्ट, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? भोपाल से। नेक्स्ट, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट, हाल में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ, वे कौन थे? कवि थे। नेक्स्ट, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। नेक्स्ट, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉन्ड। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट, शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन ने। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? राम बाबू प्रसाद। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल में किस राज्य के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? राजस्थान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने सिटी कांटा पटनायक और अन्य किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? राजीव रंजन को। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल में भारत के राजदूत कौन बने? नवीन श्रीवास्तव। नेक्स्ट, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया? यूक्रेन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में किस पर्वतरोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? कैंटन कूल। नेक्स्ट, LNT लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना? भारत। नेक्स्ट,
सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? हसन शेख मोहम्मद। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया? स्वाति ढींगरा को। नेक्स्ट, विप्लव कुमार देव ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? त्रिपुरा के। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलने शुरू किए? पंजाब। नेक्स्ट, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? भारत। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विपिन सांगी। नेक्स्ट, वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? मैथ्यू मोट को। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास लिखा गया? प्रीति शेनॉय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में एयरटेल कंपनी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गोपाल विट्ठल को। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट ने किसे एमडी और सीईओ नामित किया? विनायक पाई को। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया? अनुच्छेद 142। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में मैडम तुषार संग्रहालय शुरू होगा? नोएडा। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। नेक्स्ट, हाल ही में टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। नेक्स्ट, वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आगरा में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? मई के 3रे शुक्रवार को। नेक्स्ट, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। नेक्स्ट, किस संस्था ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? अमेरिका ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया? केरल ने। नेक्स्ट, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया? भारत। नेक्स्ट, नंजरायण टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तमिलनाडु का। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा डुअल मोडो लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया? पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में अब्दुल गफार चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? गीतकार। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जापान है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 20 मई को। आपको PDF नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? स्विट्जरलैंड के शहर दावोस। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था? सिंगापुर। नेक्स्ट, भारत के मुक्केबाज निकहत जरी ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला है? गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? सलील पारे को। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभियान शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया, ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? बेल्जियम। नेक्स्ट, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? मैक्स वेरस्टैपेन। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीस। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? जिनेवा। नेक्स्ट, COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? AR वेंकट चलपति को। नेक्स्ट, किस संस्था ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? यूनिसेफ ने। नेक्स्ट,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका की है, इन्होंने स्थापित किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, पेटीएम के MD और CEO फिर से किसे नियुक्त किया गया? विजय शेखर शर्मा को। नेक्स्ट, किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? विवेक देबरॉय ने। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को लोह अयस्क के खनन तथा निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? चीन ने। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जॉर्डन। नेक्स्ट, सिरोई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर में। नेक्स्ट, WHO संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुना गया? टेड्रोस एडनॉम को। नेक्स्ट, हाल ही में किस विभाग द्वारा गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दूर संचार विभाग द्वारा। नेक्स्ट, भारत वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में कितने स्थान पर आया? 54वें स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया? 25 मई को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगा? IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट, ग्लोबल कोलोबरेशन विलेज के संगठन की नई पहल है? विश्व आर्थिक फोरम की। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? नरेंद्र भत्रा ने। नेक्स्ट, JSW 1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? गौरव सचदेवा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? 14 अंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दिया? राजस्थान ने। नेक्स्ट, जेट एयरवेज के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रभा शरण सिंह को। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक। नेक्स्ट, हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा किसने दे दिया? जैक डॉर्सी ने। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है? बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने। नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। नेक्स्ट, पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति कौन बने? जोस रामोश। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश भारती को। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दिया? मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 23 पदक। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? 48%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद की शपथ ले लिया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बनाया? कलकत्ता। नेक्स्ट, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। नेक्स्ट, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, रेत का मकबरा उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन को। नेक्स्ट, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटन्स ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस पंजाबी गायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? सिद्धू मूसेवाला को। नेक्स्ट, हाल ही में नवगठित अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बशाक। नेक्स्ट, द माउंटेन इज कॉलिंग पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनरों में गोल्डन अवार्ड किसने जीता? KV रघुपति ने। नेक्स्ट, IPL 2022 के सीजन की सबसे तेज गेंद किस खिलाड़ी ने फेंकी है? लॉकी फर्ग्यूसन ने। नेक्स्ट।
आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने? युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। एंड लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? वंदिता शर्मा। वीकली करंट अफेयर 30 मई से 5 जून तक की करंट अफेयर के 70 प्लस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते? 48%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मशोधा समिति की घोषणा की है? उत्तराखंड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद की शपथ ले ली है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाले भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कलकत्ता। नेक्स्ट, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। नेक्स्ट, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, रेत का मकबरा उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस पंजाबी गायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? सिद्धू मूसेवाला। नेक्स्ट, हाल ही में नवगठित अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बशाक। नेक्स्ट, द माउंटेन इज कॉलिंग पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनोरामा गोल्डन अवार्ड किसने जीता है? केवी रघुपति ने। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 के सीजन की सबसे तेज गेंद किस खिलाड़ी ने फेंकी है? लॉकी फर्ग्यूसन ने। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट, जो कि हाल ही में आईपीएल 2022 में 27 विकेट लिए। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? वंदिता शर्मा। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 15 से 21 जून के बीच कौन सा देश पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अनुप्रिया पटेल ने। नेक्स्ट, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? राजस्थान ने। नेक्स्ट, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किसने किया है? श्रुति शर्मा ने। नेक्स्ट, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? दुशांबे में। नेक्स्ट, किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा? केरल में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? मिजोरम ने। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट, विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? गुजरात। नेक्स्ट, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? सुपर नोवाज ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? इजराइल ने। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत एंड बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन शुरू हुई है? मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट, 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश चुना गया? बांग्लादेश को। नेक्स्ट,
हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। नेक्स्ट, दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमर निशार को। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025 से 2026 तक। नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रतन योजना शुरू की है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। नेक्स्ट, WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड। नेक्स्ट, हाल ही में NSO अपडेट के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? 7%। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपये का GST संग्रह किया है? 1.41 लाख करोड़ रुपये का। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेश गैरा को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। नेक्स्ट, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस शहर में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार ने। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? 118वीं। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेरेन सैमी को। नेक्स्ट, सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य ने ई स्टम्पिंग सुविधा शुरू की है? पंजाब ने। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। नेक्स्ट, किस मंत्री के द्वारा हाल ही में बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया गया है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, किस राज्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 1440 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? रश्मि साहू को। वीकली करंट अफेयर 6 जून से 12 जून के 70+1 लीनियर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? नई दिल्ली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाइसन को। नेक्स्ट, हाल ही में टाइटन ड्रैगन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? डेनमार्क ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? तुर्की। नेक्स्ट, हाल ही में मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। नेक्स्ट, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीता? मेघालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ? नई दिल्ली में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नई दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना का नया IF हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भजन सोपुरी का निधन हुआ वे कौन थे? तो भजन सोपुरी थे संतूर वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रति एक्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता? अंजुम मोदगिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया सूचकांक लॉन्च किया है? कॉइन स्विच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? स्वरूप कुमार साहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की नई दर क्या है? 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है? यूएनईपी ने। यूएनईपी के फुल फॉर्म है यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनसमर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किया? उड़ीसा ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुरु साईदत्त ने खेल से संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण विभाग ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे SBI बैंक का नया MD बनाया गया? आलोक कुमार चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? मिताली राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेखो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? भारत को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रांड ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वर्ल्ड ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही? एलिसा हिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? A. मणि मेखलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर आए? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक की स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है? सिक्किम को ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लाइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दी है? शहरी सहकारी बैंकों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना RBI की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है? पंजाब एंड सिंध बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग पर प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशिया देश कौन सा बना है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? रामनाथ कोविंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? DBS बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कृष्णा श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वीकली करंट अफेयर 13 जून से 19 जून की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? गोवा। नेक्स्ट,
समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स। नेक्स्ट, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बजराम बेगाज को। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? मारुति सुजुकी ने। नेक्स्ट, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? चीन के साथ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 12 नए संरक्षण रिजर्व एंड 3 वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज और निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है? 32 साल। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया है? विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? 2023। नेक्स्ट, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को कब मनाया गया? 12 जून को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा है? तो सर्वोच्च स्थान पर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत विस्तार होगा? 2.9%। नेक्स्ट, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ? मलेशिया। नेक्स्ट, मेघालय सरकार ने किस शहर में अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन आयोजित किया? शिलांग में। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट, प्रसार भारती के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? मयंक कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। नेक्स्ट, विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई थी? चिल्का झील में। नेक्स्ट, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ है? यूक्रेन का। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? केरल ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने प्रौद्योगिक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को। नेक्स्ट, सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट लॉन्च करेगा नासा। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों के बीच बस सेवा को फिर से शुरू किया गया? भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? थम्बी। थम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। नेक्स्ट, हाल ही में यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त कौन हुई है? रबाग फातिमा। नेक्स्ट, वह देश जिसने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? भारत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 जून को। नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। नेक्स्ट, NESDA की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? केरल को। नेक्स्ट, NESDA की फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में वो कौन सा राज्य जहाँ के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तुबा हुसन और एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? 4 साल के लिए। नेक्स्ट, हाल में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिव्यांगजनों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। नेक्स्ट, हरिचंद जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? धावक। नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? 27 वर्ष। नेक्स्ट, हाल ही में 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नव प्रवर्तकों को अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? 1.5 करोड़ रुपये। नेक्स्ट,
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हाल ही में किस राज्य ने जीता? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा ई मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? केरल ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया? कृषि मंत्रालय ने। नेक्स्ट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 37वीं। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र भवनों के लिए वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? भारत ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया? चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति BS पाटिल को। नेक्स्ट, किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? चो सोन उही। नेक्स्ट, भारत का पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है? 83वां। नेक्स्ट, 2022 में भारत के मुख्य सचिव को पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में ले जाया जा रहा है? मंगोलिया में। नेक्स्ट, किस संस्था ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी की है? UNHCR। UNHCR की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। नेक्स्ट, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अमेरिका। नेक्स्ट, कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की GDP वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितना अनुमानित किया गया? 6.9। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबे दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता को टोनी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? माइल्स फ्रॉस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? डेनमार्क को। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वीकली करंट अफेयर 18 जुलाई से 24 जुलाई की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको डेली करंट अफेयर में बता दिया जाता है, इसलिए इस बार स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सिंगालीला नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.67 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेस्टी स्पोर्ट्स ने किसको अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश प्रदान करने के लिए किस वैधानिक निकाय ने खादी के लिए ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अली रेजा फिरोजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानिल विक्रम सिंघे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया में ISSF विश्व कप में पुरुषों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाला पहला निजी बैंक बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। और भारत की रैंक कौन सी रही? 135वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने FIH महिला विश्व हॉकी की विश्व कप जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज शुक्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क कोचिंग योजना अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ला गणेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MC मैरी कॉम को किस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैंपियंस एंड वेटरन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजश्री गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने किस देश में आयोजित 41वीं विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SEBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जुलाई से पहले पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितना प्रतिशत GST लगेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन इंडिया पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने ODI मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 118वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारियो दारगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस नेता ने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के पी कुमारन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पुरस्कार 2021 दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष द गरुड़। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वीकली करंट अफेयर 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली के नए पीएम के रूप में मारियो द्रागी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस नेता ने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में शशिकला नेता ने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी अमेरिका देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के पी कुमारन को। हाल ही में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 87वीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और नामीबिया देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पुरस्कार 2021 दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, 29 अगस्त, 20 जुलाई, 20 जून या फिर 22 जुलाई। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई को कितने साल पूरे किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई को 5 साल पूरे किए, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कमल हासन एक्टर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक आराधना चोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जर्मनी देश में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांसर फुटवेयर ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लांसर फुटवेयर ने शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में असम राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कराए? आपके पास ऑप्शन भारत, जर्मनी, जापान और अमेरिका चार हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की सर्वे द्वारा भारत की जीडीपी विकास का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिक्की सर्वे द्वारा 7% भारत की जीडीपी विकास का अनुमान घटाकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किसके लिए एक नई ए प्लस श्रेणी की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में एम्पायर के लिए एक नई ए प्लस श्रेणी की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यशवंत सिन्हा को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, लांसर फुटवेयर ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आपके पास चार ऑप्शन है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या शिखर धवन। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है चार में से कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांसर फुटवेयर ने, सॉरी ये तो हो गया, प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भोपाल देश में आयोजित की जाएगी, भोपाल शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंकी पॉक्स को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने राम सुब्रमण्य गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यस बैंक ने राम सुब्रमण्य गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन आइडिया ने किसको अपना नया CEO बनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया ने अपना नया CEO बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन द शेडो ऑफ लेजेंड दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक फैजल फारूकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बेंगलुरु शहर में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, SBI बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर आए। नेक्स्ट, आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपके पास चार ऑप्शन है, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा या अनिल एकरा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इन चार में से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 15 अगस्त 2022 तक घर पर झंडा फहराने का भारत सरकार का कौन सा अभियान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 से 15 अगस्त 2022 तक घर पर झंडा फहराने का भारत सरकार का अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम पेमेंट कंपनी ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में पेटीएम पेमेंट कंपनी ने CEO के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में करुणा जैन महिला क्रिकेटर जिसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी चेन्नई शहर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वानंद सोनवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वजवाह कौन होगी? तो आपका राइट आंसर है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वज पीवी सिंधु यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और है मनप्रीत सिंह, वो भी भारतीय ध्वजवाह रहे। आपके लिए क्वेश्चन है, किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दिया? आपके पास ऑप्शन है पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिन 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया, वो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड में लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम ही भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। वर्तमान में अब 54 हो गए, इससे पहले 49 थे, 5 और जुड़ गए, अब 54 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है वसीफा नाजिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को एक स्वदेशी के रूप में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय निवेश बैंक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी भारत के नेतृत्व वाला आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में 84,300 करोड़ की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे अमीर महिला जुलाई में रोशनी नादर बनी है। आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वजवाह कौन थी? आपके पास ऑप्शन है पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह या ANC। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 4 में से कौन सा सही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वीकली करंट अफेयर 1 अगस्त से 7 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 84वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग किसने गाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग AR रहमान ने गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश साल 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हटेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस देश 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में 1 सप्ताह के लिए कितने सांसदों को निलंबित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राज्यसभा में 1 सप्ताह के लिए 19 सांसदों को निलंबित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2, 5, 3 या 8। जुलाई की बात हो रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अशोक शुता को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत महादेव ने भारोत्तोलन के किस वर्ग में रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 kg वर्ग में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड पदक जीता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसवीं राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में किस जानवर को शामिल किया गया है? उसके लोगों की बात कर रहा है तो लोगों में सीन जानवर को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिंदिया रानी ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता बिंदिया रानी ने भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अचिंत्य शुली ने कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल्डी नुंगा ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33वें स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस डे 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार अगस्त में केरल सावरी ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य के पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भारोत्तोलक ने बर्मिंगम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी लाल्डी नुंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्य को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुस्ताव मैकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्या एंड अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो स्पर्धा में विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से मौत के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुजयलाल थाउसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आर दिनेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रणय कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला और बाल विकास विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाल में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या चीन ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्तानो कुआमे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुशीला देवी ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में आयोजित होने वाला मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आज का क्वेश्चन आपके लिए, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।